हाँ मम्मी। मम्मी पापा बाबूजी आ गए हैं इसके। जितना जल्दी हो सके उठ के भाग जी, नहीं तो सर आपका लव लपेटा यहीं पे खत्म कर देंगे इसके बाबूजी। हाँ हाँ अब मुझे एक्चुअली जाना होगा। पापा बस आने ही वाले, मिलके तो जाओ। फिर कभी, मम्मी बुला रही है ना इसलिए। पापा आगे क्या कर रहे हो? पूरा एक ग्लास पानी बर्बाद कर दिया। एक ग्लास पानी की कीमत जानते हो? संभालो अपने आप को। चलो जाओ उठाओ ये सब। नंबर दे दो ना भाग। यार नंबर दे दो, नंबर दे दो। कुछ नंबर नहीं होगा। अरे पापा आपको किसी से मिलवाना है? हाँ हाँ कहाँ है, कहाँ है, किससे मिलवाना था? मेरी एक दोस्त थी। हाँ तो कहाँ गई? चली गई पता नहीं पापा, फिर कभी मिलवाता हूँ, आइए बैठिए। बदनाम जरा एक ग्लास पानी तो पिलाओ। कहाँ से पानी पिला, नल से तो पानी आ ही नहीं रहा, एकदम सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, थोड़ा तो होगा। अरे पुष्पा जी पूरा मार्केट में पानी नहीं है। हसीना मलिक करिश्मा सिंह, हसीना मलिक करिश्मा सिंह, हसीना मलिक करिश्मा सिंह आ गए। शांति क्या हुआ? एक मिनट नवाब साहब, इतना काहे गरिया रहे हैं आप? अरे मोहतरमा हम गिरिया नहीं रहे हैं, बल्कि हमें आपको ये बताने आए हैं कि थाना और हमारी हवेली का एक ही पाइपलाइन है, और किसी ने आपके थाने से खुन्नस निकालने के लिए आपके दुश्मन ने हमारे मेन पाइप को बंद कर दिया है। अरे और तो बात छोड़िए पुष्पा जी, ये हमारे मार्केट के लोग, अरे इन मार्केट की सप्लाई भी हमारी मेन पाइपलाइन से थी, वो भी बंद हो गई। अब इनके सब काम धंधे बंद हो गए, सब ठप हो गया है। नवाब साहब इसमें पुलिस क्या कर सकती है? इसके लिए तो आपको जल निगम के पास जाना चाहिए ना। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी करिश्मा मैडम चाहें तो यही खड़े खड़े इस समस्या को सुलझा सकती हैं। अच्छा बस ये वो कर दें जो इनसे करने के लिए कहा जा रहा है, ये अपनी जिद छोड़ दें, हम पानी छोड़ देंगे। ये सब इंद्रजीत की वजह से हो रहा है, हर तरफ से हमें झुकाने का कोशिश कर रहा है वो। नहीं, मगर ये पुष्पा झुकेगी नहीं। मतलब हमें सिर्फ एक इंसान से उम्मीद है पुष्पा जी, आप, वो है संतो। किसी भी तरह वो सबूत इकट्ठे कर ले बस। अरे यार क्या एड़ी है यार तू, मैं गई थी ना तेरी जगह तो अभी तक खाया पिया सब कुछ निकलवा लेती उसका। धीरे यही पर हुआ काऊ गलवा लेती, तब से जब से देख रहे मैडम, जब से देख रहे तब से हमारी तेरी संतू जी को डांटे जा रही है। उसी का फोन है। किसका? काट दीजिए, काट दीजिए। उठाओ 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 उठा। हेलो। हाय, मैं सोच रहा था कि आज तो आपको अर्जेंट काम निकल आया और ठीक से बात भी नहीं हो पाई, अगर आपको ठीक लगे तो क्या आज हम डिनर के लिए मिल सकते हैं, अगर आप ठीक समझे तो? नहीं एक्चुअली मैं ड्यूटी पर हूँ ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, इट्स परफेक्टली फाइन। वैसे आपने बताया नहीं क्या पानी के टैंकर के बारे में? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए अरेंज करवा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ओके थैंक यू बाय। क्या क्या किया? फोन डिस्कनेक्ट किया। एक बात बताओ मेरे को, अगर ये आदमी जो है एक मुफ्त का टैंकर देने को तैयार है तो एक टैंकर क्यों अखे लखनऊ के लिए टैंकर मंगाते ना अपन, इसको समझ में नहीं आता यार। बेहतरीन बेहतरीन बहुत अच्छे। अब बेटा ऐसा कहां करेगा? बेटे की कमजोरी कौन है? सफेदी की चमकार। तो सफेदी की चमकार जो बोलेगी वो बेटा करेगा, बेटा जो बोलेगा वो बाप करेगा, और बाप जो करेगा उससे हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे ना यार। ये स्लो मोशन समझ में नहीं आता इनको कुछ। एक काम कर, फिर से फोन लगा, लगा लगा, फिर से फोन लगा और मेरी तरफ देख, मैं जो बोलूंगी वो बोलना, अपन फिर से आटे में लेते उसको। बोलू मैडम? नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं। चीते बाप रे बाप।
वेलकम टू द कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर? अरे बिछा कर मोमबत्तियों का जाल उड़ा ले जाएगा मेरा माल। संतु जी, संतु जी नहीं रुक किसे जा रही है चीते चिकने। चल थैंक यू। वेलकम सर। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। का चाचा आपके पार्टनर कहाँ पर है? पार्टनर? पार्टनर कैसा पार्टनर? कौन सा पार्टनर आ रही है रास्ता में? बहुत खूबसूरत लग रही है। इनफैक्ट जब भी मिलती है पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपके चेहरे पे ये इनोसेंस, ये भोलापन आपकी खूबसूरती को और भी खूबसूरत बना देता है। जानती है पहली बार आपको देख कर मेरे मुंह से क्या निकला था? क्या? उफ, ये मासूमियत। आपसे एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने तो? जी। आपने ये पुलिस फोर्स ही क्यों ज्वाइन की? आई मीन आप इतनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है ना, आप चाहती तो ग्लैमर वर्ल्ड में भी जा सकती थी। क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसी के लिए बनी हूँ। नहीं, ये भी बहुत अच्छा है, आप यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगती है। अरे ये गुटरगुआशी को बोलना बंद करे, उसको पॉइंट पे लेके आना फटफट। वैसे आप बताइए आपके पापा के बिजनेस के बारे में, वो वाटर सप्लाई का बिजनेस है ना, कैसा चल रहा है वो? पापा को छोड़ो ना, आप अपनी बात कीजिए, कुछ बताइए ना अपने बारे में। मैं आपके पापा के बारे में बात करने ही आई। वैसे तो पॉसिबल नहीं है ये कि बेटे को अपने बाप के बिजनेस के बारे में पता ना हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपको वाकई नहीं पता तो मैं आपके बाप के काले कारनामों के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान? धनुष तुम्हारे पापा एक चोर है, पानी के चोर। लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है धनुष कि तुम्हारे पापा की वजह से कितने लोग पानी के बिना मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। धनुष जिसके पास पैसे नहीं है वो प्यास से मर रहे हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो स्विमिंग पूल पर पार्टियां कर रहे हैं। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे इंसान, तुम्हारे पापा की वजह से। धनुष जरूरी नहीं है कि हर एक बाप अच्छा इंसान हो, हाँ लेकिन हर एक औलाद को ये जरूर लगता है कि उनका बाप जो है सबसे अच्छा इंसान है। जैसे तुम्हें लग रहा है तुम्हारे करप्ट बाप के बारे में कि वो बहुत अच्छा इंसान है, जबकि वो नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकता अपने पापा के बारे में। धनुष तुम्हें समझने की कोशिश। थैंक यू। संतु जी, संतु जी, संतु जी, आप ठीक है संतु जी, आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप? उर्मिला तुम्हारा प्लान फेल हो गया, वो अपने बाप के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। सफेदी की चमकारी उर्मिला महादेव मात्रे का आइडिया है, निशाने पे लगेगा इच। तू देख गुलाब उलाब दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बहुत भीड़ लग रही है, बहुत भीड़। संतु, संतु जी, संतु जी, संतु जी, सुनिए 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 सुनिए। ओ सुनिए भाई साहब, इधर आओ, पुलिस पुलिस, इधर आओ, इधर सामने आओ, पुलिस आओ, आओ आओ। तुमसे देखो हमको बहुत जरूरी बात करने का है, तुम चलो हमारे थाने चलो, ठीक है? किस जुर्म में? क्या किया मैंने? जुर्म वर्म कुछ नहीं है, खाली बात करने का है, चलो तो थाने। करिश्मा मैडम, उर्मिला ने धनुष को उठा लिया है। कहा? किस जुर्म में? जुर्म तो बताया ही नहीं, बस उठा लिया है। फिर ये क्या किया उसने? उसके बाप को अगर पता चल गया है ना तो कोहराम मचा देगा वो। कुछ ना कुछ आफत लाती ही रहती है हमारे थाने पे ये लड़की। कानून के खिलाफ होता है, समझा करो, कानूनी भाषा है। ये बात भी सही है। अच्छा उसका बाप जो कर रहा है इतने टाइम से, वो क्या कानूनी है एकदम? ये गलत है। देखो तुम, हम तुमको नहीं, अभी तू मेरी बात सुन। मैं है उर्मिला महादेव मात्रे, मैं कोई पुलिस वाली नहीं है, तो मैं इसको समझ कि मैं इसको किडनैप किया। हाँ हाँ, उर्मिला महादेव मात्रे ने इंद्रजीत के बेटे धनुष को किडनैप किया, जिसको जो उखाड़ने का उखाड़ ले। इधर पार्क करो, दिस इज पार्किंग लॉट। मैं हेल्प करूं? नहीं संतोष, हम बिल्कुल भी आप हेल्प मत कीजिए। ए, तुम लोगों ने सांप के बिल में हाथ डाला है, हमारे इंद्र सांप छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। इलाज करो ना बिल्ले इसका।
आई एम डॉक्टर बिल्लू द स्पाई, ऑपरेशन के लिए रेडी। ए वी लॉस क्या इलाज करेगा? बीमार इलाज ऐसे बताते नहीं। आ जाओ बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, फटाफट बाहर आओ। ए चल पहले बोल रहा हूं, वड़ा पाव मत खिलाना मुझे। वो मैं तुम्हें बड़ा बड़ा दूंगा, चलो। ए वड़ा पाव नहीं खाऊंगा मैं। अरे वड़ा वड़ा खिलाऊंगा तुझे, चल। ए तू शांत रे, इधर वापस आ। देखा ऑपरेशन सक्सेसफुल, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? देखा इस उर्मी को रोकने का अंजाम? अब भूख तो पूरा थाना सस्पेंड होकर घर पे बैठकर लूडो खेलेगा, देखना सबकी वर्दी उतरवाएगी ये लड़की। ए मातारी, आइटम काय के लिए खड़े खड़े निरूपण ऐसे ललित पवार बन रही है? चिल बेब्स चिल, मेरा प्लान तो सुन लो। हमें कुछ नहीं सुनना, अब तक तुम्हें जो करना था तुमने किया, अब तुम वो करोगी जो हम कहेंगे। सबसे पहले इसके पिताजी को फोन करो, उन्हें यहाँ बुलाओ, उनका बेटा उनको वापस कर दो, और तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगो। नहीं, माफी कैसे मांग सकती है पुष्पा जी, पुलिस है ये, कोई सड़क छाप हवाली नहीं है कि माफी मांगा और निकल गए। और इसका जो पिताजी है ना, उनका पहुंच बहुत ऊपर तक है, और वो ये मैटर ना बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। ना रख पा रहे हैं, ना इसको भेज पा रहे हैं, कहां फंस गए हैं तुम? सिर्फ तुम्हारे चक्कर में उर्मिला जब से आई है ना, जी का जंजाल बन गई है। अरे तुम लोग काय के लिए पूरा टाइम मिसाइल पर ही बैठे रहते हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरा प्लान तुम लोग अच्छा नहीं लगा, तो जो तुम लोग बोलेगे वो मैं करेगी, जिंदगी भर तुम्हारा बात मानेगी, पर पहला मेरी बात तो सुनो डार्लिंग। मेरे पे भरोसा है ना? नहीं। वेरी गुड, आओ प्लान सुनो। आ जाओ जल्दी आ जाओ, घोड़ा नहीं ये लड़की। आओ आओ तू ये रे। बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया प्लान है ये। क्या बकवास आइडिया है ये, ऐसे तो हम और फंस जाएंगे। हाँ, और ऊपर से हम सबकी नौकरियां जाएंगी, वो अलग। हाँ, तेरे को क्या लगता है चटक चांदी, तू कुछ बोलने रही? हमको लगता है कि हमें उर्मी के प्लान से जाना चाहिए। ये प्लान सक्सेसफुल होने का सिर्फ 1% चांस है। और नहीं तो क्या? अरे पर हार मानने से तो अच्छा है ना, हार मानने से कुछ तो करें हम। पर इसको यहाँ पे रखना रिस्क है, इसका क्या करें? उसका टेंशन लेने का नहीं, वो मैंने सोच के रखा है क्या करने का। इसने सोचा है। वो दिखा के आ गया। अरे अरे क्या है भाई, कहाँ है ना तुम्हारी शादी करा के देंगे, मतलब करा के देंगे, फिलहाल यहाँ हमारा बैंड बजा पड़ा है, वो तो पहले संभाल ले। एक मिनट कृपया शांतता ठेवा, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है मातारी। क्यों? काहे काहे के लिए? देख तेरे को शादी बनाने का है ना, ईमानदारी से और उसी एड्रेस पे जिधर का तूने ओरिजिनली दिया है जी। हाँ, तो मैं जो बोल रही हूँ चुपचाप करने का। ये इंद्र का बेटा धनुष है, इसी के जरिए तो अपन इसका मेरा तेरा पूरी दुनिया का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लेके जा इनको चुपचाप शांति से लेके जाओ, बेहोश है ये, उठना नहीं चाहिए, लेके जाओ, जाओ जाओ लेके जाओ। रुको अंतिम डोज दे। मैडम जी कहाँ है? अरे अरे शांत, क्या हुआ, क्यों इतने चिल्ला रहे हैं आप? सब मैडम ही तो है यहाँ, कौन सी मैडम चाहिए आपको? मैम मेरा बेटा धनुष वो कहीं गायब हो गया है, प्लीज उसे ढूंढ निकालिए, मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए मैम, प्लीज। सच में? हाँ। गुम हो गया? हाँ। ओहो, ढूंढिए फिर, रिपोर्ट लिखिए पुष्पा जी। जी हम अभी लिखते हैं, बताइए। देखिए जो भी कुछ हुआ है भूल जाइए, मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए प्लीज, मैं तुरंत आपके थाने का पानी शुरू करवा देता हूँ। छी पाप, घनघोर पाप, बेटे को ढूंढने के लिए भी काला धंधा करना चाहता है आदमी, छी छी लालच है तुम पे। लेकिन हम भी सच्चे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, वही करेंगे जो हमारा कर्तव्य है। उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढिए करिश्मा सिंह। जी 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 मैडम सर, ढूंढते हैं। अरे ठीक है, लेकिन मेरा बेटा है कहाँ? आपका बेटा सुखी नगर में क्या कर रहा है मेरा बेटा? गया होगा आपका काला धंधा का चेक करने, सब कुछ देखने की सब बराबर चल रहा है कि नहीं। तो हम सर किस बात का कर रहे हैं, हम सब चलते हैं ना सुखी नगर। नहीं, उसका जरूरत नहीं है, क्या हमारे बंदे वहीं पे ही है, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा, उनको हमने वहीं किसी काम के लिए भेजा था, तो हम उनको बता देते हैं। लगाइए पुष्पा जी। पक्का ना? अरे पक्का लगाइए, फोन लगाइए। हाँ, वो खुजली हो रही थी ना, तो नहाइए, फोन ही लगा रहे। आने के लिए पानी कहाँ है?
बात कीजिए, आप बात कीजिए। खुजली बहुत हो रहा है आजकल आपको। हेलो, हाँ कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी और कांस्टेबल संतोष शर्मा, आप लोग अभी कहाँ पर हैं? सुखी नगर में हैं आप अभी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है ना, यहाँ पे इंद्रजीत जी आए हुए, उनका बेटा जो है धनुष वो वहाँ पे कुछ लापता हो गया है, बात कर ले। हाँ तो आप उनको वहाँ ढूंढिए, तहकीकात कीजिए वो कहाँ पर है, उनको सही सलामत थाना में जल्दी से जल्दी लेकर आइए, जल्दी तुरंत तुरंत लग जाइए काम पे। चलिए धन्यवाद। कब आएंगे आपके लोग, कब आएंगे? हाँ हाँ आइए आगे। कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है धनुष, कहाँ है? आपके बेटा का जो मोबाइल फोन है इनके पास मिला हुआ, इनसे पूछिए बेहतर बता पाएंगे। कहाँ है मेरा धनुष, धनुष का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया, कहाँ है वो? जहाँ पे भी है सुरक्षित है और अपनी मर्जी से। अगर आपको आपका बेटा चाहिए तो आपको हमारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। डिमांड्स? 50 लाख दो और बेटे का पता लो। ये देखिए, ये क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, ये मेरे बेटे का पता बताने के मुझसे पैसे मांग रहे हैं और वो भी यहाँ पुलिस चौकी में खड़े होकर। ये लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बराबरी तो कर रहे हैं। मतलब आप भी तो ऐसे ही करते हैं ना, जो पानी लोगों को जल निगम से डायरेक्टली मिलना चाहिए उसी पानी के आप उनसे मन चाहे पैसे लेते हैं। वो लोग मेरे से फिरौती का पैसा मांग रहे हैं और आप इनका साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं भाई साहब। आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किडनैप नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठा है और ये आपके बेटे का पता बताने का पैसा मांग रहे हैं। इसमें कोई धारा भंग नहीं होता तो हम क्या कानूनी कार्रवाई करें बताइए? क्या कर सकते हैं हम? सब एक दूसरे के साथ मिले हो, आपकी मिली भगत है ये। नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं मिला हुआ है, ये आप ही की करनी है जो आपके सामने आई है। ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है धनुष? Excuse me, I am below the spy, तीर की तरह लेके आया हूँ आपके धनुष को। रेनबो योर बो। धनुष बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ डैड, इन पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती उठाया, किडनैप किया मुझे। हाँ हाँ किडनैप किया है, और पैसा नहीं दिया ना तो फिर से करेंगे। ये पुलिस की गुंडागर्दी बहुत भारी पड़ेगी तुम लोगों को, मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, याद रखना। ओ चाचा, जिधर तुम्हारी पहुंच खत्म होती है ना उसके ऊपर मेरी पहुंच शुरू होती है, समझा ना? इसलिए शांतपति करने का नहीं। नहीं मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना तिल मिला कह रहे हैं ना, ये लोग वही आपके साथ कर रहे हैं जो आप इनके साथ करते हैं ना। ना मतलब आप करो तो बिजनेस हो जाता है और दूसरे कर दे तो गैर कानूनी हो जाता है, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश चाचा, अपना औलाद पर आए तो एकदम बिलबिला गए ना। आपको आइडिया भी है आपकी पानी का काला बाजारी कितना ज्यादा माँ बाप और उसके औलाद का जिंदगी खराब कर रहा है ना। लोग ठीक से जी नहीं पा रहे, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, काहे क्या कि अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा कमाई का हिस्सा वो लोग पानी खरीदने में वेस्ट कर देते हैं। बच्चों को पाले या उन्हें जिंदा रखे, इस चुनौती से ना जाने कितने माँ बाप रोज जूझते हैं, और आज अपने बच्चे पे बात आई तो आपकी चीख निकल पड़ी। सोचो इंद्रजीत, वही लोग जो अपनी सीमित आय में जरूरत का पूरा पानी भी खरीद नहीं सकते, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखते हैं, उन लोगों के दिल से कितनी बड़ी हाय, कितनी बद्दुआ निकलती होगी ऐसे लोगों के लिए। आज नहीं तो कल आपका किया धरा आपके आंखों के सामने आएगा, तब आपको लगेगा कि आपने जो भी किया वो कितना गलत किया लोगों के साथ। डैड, आप पानी की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं? अरे अखे लखनऊ का सबसे बड़ा डॉन है ये पानी के ब्लैक मार्केटिंग में। सब क्या है डैड, मुझे लगा आप नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, वाटर सप्लाई का बिजनेस करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इसके पीछे इतना गिरा हुआ और घिनौना काम करते हैं। मैं इसी वक्त आपको और आपके घर को छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं धनुष, ऐसा मत करो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, पैसा कमाना पहले मेरी जरूरत थी, उसके बाद ख्वाहिश हो गई और बाद में कब जुनून बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं गलत था बेटा, मुझे प्लीज माफ कर दो प्लीज। अगर वाकई आपको लगता है ना कि अब जो कर रहे थे गलत है तो किसी भी चीज को ठीक करने के लिए देर नहीं लगती, अभी भी सब कुछ छोड़ सकते हैं और जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। बेटा मैं अभी इसी समय से ये कालाबाजारी का धंधा बंद करता हूं।
और मैं सबसे वादा करता हूं कि आज के बाद इस शहर में कोई पानी के बगैर नहीं रहेगा, सबको अपने हक का पानी मिलेगा। आज एक बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी जो है उसको वेस्ट ना करें, उसको बचाएं, क्योंकि जिस तेजी से धरती से पानी सूख रहा है, पानी खत्म हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब हमारी धरती पे पानी का संकट आ जाएगा और हमको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, जीने के लिए। तो जितना हो सके पानी बचाए, पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि आज का पानी हमारा कल का जीवन है। और इसके लिए क्या करने का, नल का लीकेज चेक करने का, पानी पाइप से लीक तो नहीं हो रहा है, ब्रश करते टाइम फालतू नल चालू करके नहीं रखने का, जितना जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करने का। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, आपकी पूरी टीम के लिए ये तो बनता है। अरे दे तो दिए पैसे पूरे तुम्हें, 65,000 हिसाब क्लियर हो गया है। अरे नहीं, हिसाब क्लियर हुआ है, बचपन में जब भी मैथ्स की क्लास सिखा रहे थे तभी क्या पानी पूरी खाने गई थी क्या? देख महिला, कौन से महीने की बात है ये? मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? पता है हमें, एक मिनट, जनवरी फरवरी मार्च ऊपर मतलब 31। वेरी गुड, अभी 31 दिन 2,500 रोज के हिसाब से कितना हुआ? 70,500। 70,500 तुमने दिए मुझे, 65,000 बचा, 12,500 लाओ मेरे पैसे। 12,500 कहाँ? नहीं एक मिनट, 70,000 में से 65,000 देने के बाद 12,500 कैसे बचा? 12,500 ही बचा, अभी मैथ्स मेरे को आता है ना डार्लिंग, मेरी बात मानो और पैसा दे मुझे। तुम जो आगरा गई थी घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, तो उसका पैसा नहीं कटेगा क्या? ओ डार्लिंग, मैं ताजमहल गई थी, आगरा घूमने गई थी, लेकिन वर्दी पहन के हसीन दिलरुबा के फुल कैरेक्टर में उधर गई थी मैं, तो कैरेक्टर में घुसी तो पैसा मिलेगा ना, लाओ पैसा दो। और वहाँ के टूरिस्ट लोग से प्रोटेक्शन के नाम पर जो पैसा वसूली थी उसका क्या? वो आधा पैसा तेरे को दिया तो था डार्लिंग। चुले? माँ, इन पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाओ। कुछ इंक्वायरी भी इंक्वायरी करने का नहीं, ए माता रे ज्यादा शांति कर माता, नहीं तो मैं तेरे पे वो केस लगाएगी उसका। बिल है तुम्हारा? हाँ मेरा बिल है। धोखाधड़ी? धोखाधड़ी केस लगा देगी, धोखाधड़ी का पैसा निकालो मेरा। अम्मा कहाँ दिक्कत चल रहा है ये? पुष्पा जी जो मांग रही है आप दे दीजिए, आपको पता नहीं पैसों के मामले में कितना लीचड़ है ये, नहीं छोड़ेगी एक रुपए भी। और अगर तुमने हसीना मैडम बनके कोई लीचड़ गिरी या कोई चूरन गिरी किया ना, तो देख लेना तुम हमसे बुरा कुछ नहीं होगा और एक रुपए नहीं मिलेगा तुमको। हाँ ओ मैडम, वैसे भी मैं कोई चूरन गिरी कभी करती नहीं है, पर हाँ तुम्हारी हसीन दिलरुबा की आत्मा मेरे अंदर गेस्ट अपीयरेंस मारे और मेरे से कुछ करवा ले तो आई डोंट नो। और तुम ये क्या कर रहे हो बे? मेरा बिल टूट गया। लाओ लो। हाँ दे रहे पैसे दे रहे, बाकी टिप समझ के रख लेना। लगता है ना इसे चाय पानी। अस्सलाम वालेकुम पुष्पा जी। वाले आने वाले थे आप, बताए नहीं आपने। अरे हाँ, अरे भाई आ जाइए मियाँ। हे बाप रे, बिना गर्दन का आदमी। वाह भालो, हमको ये लोकेशन बहुत पसंद आया, खूब भालो। अरे भाई ये हमारी खानदानी हवेली है और फिल्म के लिए आपको जो माहौल चाहिए वो सारा नजारा आपको यहाँ पे मिलेगा। बीच में हट जाइए। आओ। प्रोडक्शन, ये पिलर तोड़ दो। अरे बुलडोजर। हाँ यार क्या मियां बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं तोड़। सर मैं कैसा हूं? नवाब साहब। अरे पुष्पा जी, अरे सुनाइए आपके मिजाज क्या हैं? हम जितनी बार यहाँ आते हैं ना, हर बार आप हमको हसीन और जवान दिखाई देती हैं। अरे भाई हमें भी बताइए ये राज क्या है आपका, जादूगरी का है, बताइए ना। अपनी जवान बहू का खून पीती है रोज 1 लीटर। भाई
भी बकैती करती रहती है। और क्या नवाब साहब, आप भी बात करते हैं। वैसे आप यहाँ अचानक, ये लोग कौन हैं? अरे आप इनको नहीं जानती? ओहो पुष्पा जी, अरे ये कितने मशहूर डायरेक्टर हैं और इनका नाम है देवेंदु घोष। हाँ, इन्होंने बड़ी बड़ी हिट फिल्में बनाई है। मर गए तेरे इश्क में, डूब गए तेरी मोहब्बत में, तेरी वनेरी मेरा कवा, जानी सनम। हाँ ठीक है, होंगे बहुत बड़े डायरेक्टर होंगे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे करिश्मा जी, कभी कभी आपकी जो बातें हैं ना, मुझे बड़ी हास्यास्पद लगती हैं। भाई रेकी करने आए हैं, लोकेशन देखने आए हैं और प्रॉपर्टी देखने आएंगे, उसके बाद शूटिंग करेंगे। शूटिंग? हाँ। तो पा गए हैं क्या? हाँ, किसने दे दिया परमिशन आपको यहाँ पे शूटिंग करने के लिए? हाँ। अरे कितनी बार मैं आपको समझाऊं करिश्मा जी कि ये जो थाना है ना, ये हमारा है, इसके मालिक हम है, समझे ना? हाँ आपका जगह है, मान लिया आपका जगह है, लेकिन अभी तो हमारा थाना खुला हुआ है यहाँ पे, आपको किराया भी तो मिलता है। किराया? ओहो, पिछले 3 महीने से ये किराया तो हमको सिर्फ ख्वाबों में मिलता है। अरे पुष्पा जी बताइए, इतनी बड़ी हवेली है, इसका रख रखाव करना पड़ेगा ना, और यहाँ से पैसा तो मिलता नहीं है, है? तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए शूटिंग करवा रहे हैं। सुपर, एक मिनट, एक मिनट। अरे वाह, फाइनल लोकेशन, फाइनल। और मैं रिजेक्ट। माँ, आपको डांस आता है? करेगा? हमको डांस आता भी है और करेगा भी। रिजेक्ट। हमको ये लोकेशन बहुत पसंद आया, हम अपना फिल्म का शूटिंग इधर ही करेगा। अरे नवाब साहब, ये थाना है, थाना थाना होता है, गाना गाना होता है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ठीक है ना भाई, 3 महीने का किराया दे दीजिए, आप आराम से अपना थाना चलाइए, देखिए हमको जो मुनासिब लगेगा ना, हम वो करेंगे, समझ गए ना आप? शूटिंग कल से शुरू हो जाएगी, हमें कोई शिकायत नहीं चाहिए। एग्जिट। हाँ, हाँ। का मुसीबत है ये? भाई भाई एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? शूटिंग हो रहा है। शूटिंग? अच्छा तो हीरो बनने के लिए क्या करना होगा? पागल खाने जाना होगा। चल भाई, चल चल चल। बदनाम भाई, क्या है, हीरो नहीं बनने दे रहा है, काम ही नहीं दे रहा हमको? अबे चपड़ा, जो काम कैसे मांगते हैं और एक्टिंग क्या होती है, मैं तुमको सिखाता हूँ, देख। अच्छा। अबे चपड़ गंजो, कैमरा नीचे रख, समझे कि नहीं? मैं आपको बताऊंगा एक्टर क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है। बेटा तुम जानती नहीं बे, हॉलीवुड करके बैठे, हॉलीवुड समझ रहे हो ना? एक बार तुम्हारी फिल्म में जो है मौका दो, चैनल दो बेटा, तुम्हारी फिल्म जो है हॉलीवुड तक पहुंचेगी, हॉलीवुड तक, समझ रहे हो कि नहीं? बस तुम मानो या ना मानो। किसकी आवाज थी ये? ये हॉलीवुड, हॉलीवुड देखो ना, हॉलीवुड, इरफान खान साहब। ओ भाई, नागाने कहां से आ जाते हैं, चलो निकलो सब। अरे अभी शूटिंग नहीं शुरू हुआ है, बात नहीं। हां क्या हुआ संतू, तुम कब से फुदक रही हो? अरे न्यूज़पेपर में छपा है ना, अपने थाने में जो शूटिंग हो रही है ना, आर्या कपूर आ रहा है। ये कौन है? हीरो। हीरो? अरे ये भी कोई हीरो है? हीरो तो वो होते थे हमारे जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट में भी ना रंगीन सपने दिखा जाते थे, जब वो ऐसे करके अपनी जुल्फे लहराते थे ना, सारी लड़कियों के दिल ऐसे फलक में आ जाते थे। ये सब तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आर्या कपूर आ रहा है, अपने थाने में शूटिंग कर रहा है, यहीं से ऐसे जाएगा, शूटिंग करेगा, मैं तो इतनी बड़ी फैन हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे वो आ गया आर्यन का। संतोष शर्मा, साइबर एक्सपर्ट।
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी सारी फिल्म्स देखी है मैंने, वो अब तुझे देखा तो दिल में मची खलबली 22 बार देखी है मैंने, और वो अफरा तफरी तेरे प्यार की वो 29 बार देखी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप सामने हुआ है ना चीपी। मुझे नहीं पता था यहाँ मेरा एक इतना खूबसूरत फैन भी मिलने वाला है। एनीवेज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मिस संतोष शर्मा, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आप जैसे फैंस की वजह से ही तो आज मुझे इतना आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए चलो हीरोइन को बुलाओ, हीरोइन को बुलाओ। अरे शॉट रेडी, प्रोडक्शन प्रोडक्शन। अरे क्या कर रहे तुम लोग? सर एक प्रॉब्लम हो गई सर। क्या हुआ? वो पिंकी बेबी। क्या हुआ पिंकी बेबी को? वो होटल में नहीं है सुबह से, और उसका फोन भी बंद है सर, और मैंने सब जगह देखा वो कहीं नहीं। हीरोइन ये ऐसा कैसे छोड़ सकती है मेरी फिल्म? कहां से लाओ अभी हीरोइन? सॉरी सर, लेकिन आपकी टीम को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि जो डेट्स मैंने दी है उसके ऊपर एक भी दिन नहीं कर पाऊंगा। आई एम ऑलरेडी कमिटेड सर, अगर उन डेट्स पर आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो अच्छा है, नहीं तो अगले साल ही कुछ हो सकता है। सर मैं कैसे भी हीरोइन लेके आऊंगा सर, सर प्लीज आप सेट छोड़ के मत जाइए सर। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अरे सर इधर से रास्ता है, इधर से देखिए रास्ता इधर से है। अरे प्रोडक्शन रोको उन्हें। अरे ये क्या, अब तो मुझे हीरो भी ढूंढना पड़ेगा। सर 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 मैं हूँ, ये देखिए। अरे मुझे हीरोइन मिल गई, मुझे हीरोइन मिल गई। आप मेरे पिक्चर में काम करोगी? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये हमारी SHO मैडम सर थाना संभाल रही है। नहीं नहीं नहीं, ये नौकरी के लिए पैदा ही नहीं हुआ, ये तो फिल्म में काम करने के लिए पैदा हुआ, ये तो सुपरस्टार बनेंगी। तुम हमारे पिक्चर में काम करेगा, हम तुमको 20 लाख देगा, 20 लाख। बीस क्या कम है? ठीक है 25 लाख। पच्चीस इससे ज्यादा हमारे पास बजट नहीं, प्लीज 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 काम करेगा। करेगा खुद खुद के करेगा। मुझे कंटेंट तैयार कर दो जल्दी जल्दी करो। अरे लाइट कैमरा रेडी करो। क्या कर रहे हो तुम? ऐसा जो हसीना मालिक हो तुम, मैडम सर हो तुम, थाना संभालती हो, थाना प्रभारी हो तुम, ये एक्टिंग नहीं कर सकती हो तुम। जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। मेरे को मालूम था कि ये जालिम दुनिया एक ना एक दिन मेरे इस थोड़े की कदर जरूर करेगी, और वो कर रही है। अरे किधर 25 लाख, किधर तुम्हारा दिन का 2,500। चल तिकड़े एक मिनट स्पॉट जूस लाना। जी सर तो बताइए मेरा कैरेक्टर क्या है? पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। जरूर सर, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, मैम ये लीजिए साइन कीजिए। ऑफ कोर्स। सॉरी, नो कॉन्ट्रैक्ट नो डील विदाउट मैनेजर। ये मैनेजर पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा, ओके बोलेगा, तब बात आगे बढ़ेगी। विदाउट मैनेजर नो कॉन्ट्रैक्ट नो डील। तो ठीक है मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर हियर, आई एम बिलू द स्पाई, हसीना मलिक का मैनेजर। हाय एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ही बिना किसी को भी जाने, बिना किसी को पहचाने, ऐसे कैसे आप अपनी फिल्म के लिए किसी को साइन कर रहे हैं? मतलब ये कि आप जानते नहीं, आप जिसको फिल्म में हीरोइन ले रहे हैं ना, उसकी याददाश्त खो चुकी है। हाँ उसको खुद को पता नहीं है कि ये कौन है।
सोचिए सोचिए, आपकी आधी फिल्म करके ये सब भूल गई तो फिर है ना, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जरा यहाँ वहाँ देखिए। हम काम भी बहुत अच्छा करते हैं, हम नाच भी बहुत अच्छा करते हैं, और हमारी याददाश्त तो मतलब क्या ही बताए। हम सोचिए सोचिए, आप बिल्ली बोल सोचिए। हाँ सोचिए मत, सोचिए सोचिए। ओके हम रिस्क ले आ। क्या? हमें पता था हमारी अभिनय क्षमता पे हमें बहुत गर्व है। नहीं, हम इन्हीं को पिक्चर में ले गया। मैम आप साइन कीजिए। वहां कॉन्ट्रैक्ट तो फट जाएगा। साइन कीजिए। साइन। टर्न अराउंड। या क्या कर रही हो तुम? डोंट डिस्टर्ब। साइन हो गया सर। डन। क्या बोलती पब्लिक? देखो देखो तुम। एक्सक्यूज मी, जो कुछ बात करनी है मुझसे करो, कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैडम के पास कौन सी बात पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचनी चाहिए, बिकॉज आई एम बिल्लू द मैनेजर ऑफ हसीना मालिक। जरा 5 मिनट बात करनी है। हा? जी पुष्पा जी। देखो तुम ये जो कर रही हो ना बहुत गलत कर रही हो। अरे हमको पता है तुम हसीना मलिक नहीं हो, मगर दुनिया के लिए तो तुम हसीना मलिक हो ना, और वो ये सब करती हुई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे उनके बारे में। अरे मातारी आइटम, इतना टेंशन क्या लेने का, और मैं क्या गलत कर रही है? देखो जब जिंदगी में कोई मौका मिलता है ना उसका फायदा उठाने का, जो फायदा उठाता है वो होता है सिकंदर, और जो फायदा नहीं उठाता है वो होता है बंदर। इसके लिए मैं बंदर नहीं है, मेरे को ये अच्छा खासा मौका मिला है अपनी जिंदगी बनाने का, औकात बनाने का, पैसा कमाने का, नाम कमाने का, तो मैं उसका भरपूर फायदा उठाएगी, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। चाय चाय चाय। ये कहा? चाय। ये लीजिए मैडम आपके लिए कॉफी, और मैडम आपको खाने के लिए क्या चाहिए और कहाँ से ऑर्डर करना है? मैंने तेरे को बोला था ना कि मेरे को तेरे घटिया दुकान की घटिया कॉफी नहीं बनेगा, जाए यहाँ से। हाँ कसम मैडम, ये कॉफी मेरे दुकान का नहीं है, ये लालगंज का है। और मैडम आपको एक बात बताए, खुशी की बात है, मैंने स्पॉट ज्वाइन कर लिया मैडम, और आप जो है इस पिक्चर की हीरोइन, माँ कसम एक नंबर लग रही मैडम आप। और मैडम ऊपर से ऑर्डर है मैडम आपका, ख्याल रखने के लिए कहा गया कि आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ पीना है, खाना है, कहाँ से ऑर्डर करना है ये भी बता दीजिएगा हमको। सच्ची? जिधर से बोलूंगी उधर से मंगा के देगा? माँ कसम मैडम एक नंबर 100%। स्टार से मंगाए? सेवन स्टार। ए स्पॉट कम हियर, लिख लो, मुर्ग बिरयानी, मुर्ग मसल्लम, पनीर बुर्जी, पनीर टिक्का, दाल फ्राई, दाल मखनी, बटर नान, गार्लिक नान, ये सब मंगाओ। माँ तुम कुछ खाओगी? वैसे तो नहीं, मगर अगर तुम इतना पूछ ही रहे हो तो खा लेंगे थोड़ा सा। चख लेंगे थोड़ा सा, मतलब बहुत कुछ खा लेंगे। ऑर्डर लिख दी। अभी क्या कर रही इंदिरा? मैम आपका नेक्स्ट चेंज है, आप कपड़े चूज कर लीजिए। ओह जरूर आओ। एक्सक्यूज मी कशु? यस कम। हमें कुछ भी नहीं पसंद, आउट करो ये सब। डोंट वरी मैम, मैं आपका नेक्स्ट चेंज मंगवा देती हूँ। Yes. तक आप ज्वेलरी देख लीजिए। असली है क्या? खैर नॉक क्यों नहीं किया? अगली बार नॉक करके आना। जरूर जरूर जरूर। yeah. जी कहिए। जब तक शूट चलेगा आपके लिए होटल में कमरा बुक करना है। शहर का कौन सा होटल आप प्रिफर करेंगे? जो आप चाहें। और ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी भी प्रोवाइड की गई है, तो कौन सी गाड़ी बुक करूं? वो सब आप हमारे मैनेजर से पूछ लीजिए। हाँ मुझसे पूछिए। अच्छा क्या बोलती पब्लिक? नहीं अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वक्त मेहरबान तो गधा। हाँ
मतलब उसका लुत्फ उठाना चाहिए। हाँ हाँ पहलवान, समझ रही हूँ मैं। बस मलाल इस बात का है जिसने अपना पूरा जीवन अभिनय को समर्पित कर दिया, वो जो इस सब का हकदार है, जिसे सब कुछ मिलना चाहिए, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। खैर किस्मत अपनी अपनी। हाँ, अरे मैम यहाँ सब ठीक तो है ना? आपको जो कुछ भी चाहिए होगा प्लीज टेल मी डायरेक्टली। बाकी सब तो ठीक है सर, आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट। दरअसल एक और कैरेक्टर चाहिए, इनके लिए एक रोल चाहिए। अब डांस कर लोगी? हाँ 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 कर लेंगी, कर लेंगी, कर लेंगी। और एक किसिंग सीन भी है। हमें किसी की नजर ना लगे। लल्ला के पापा, हम अभी नहीं करेंगे। हेलो जी सर, जय हिंद सर। हम सब जानते हैं, लेकिन जो आप लोगों से हमको जानना चाहिए वो हमें बाहर से पता चल रहा है। महिला पुलिस थाना को आप लोगों ने फिल्म स्टूडियो बना दिया है, वहाँ पे शूटिंग चल रही है और कोई हमको बताने की आवश्यकता भी नहीं समझ रहा है। जी सर, हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन नहीं, 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 कब बताने वाले थे? फिल्म हिट हो जाने के बाद है? ऐसा कोई करता है भला? आप लोगों को पता है कि जब कोई पब्लिक गतिविधियां होने वाली होती हैं, तो जिला डीएसपी से अनुमति लेनी होती है। आपने अनुमति लिया? नहीं लिया। अरे क्या कर क्या रहे हैं? फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पूरा लखनऊ शहर हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारे महिला पुलिस थाने का मजाक उड़ा रहा है। हाँ जी सर, हम वो और ऊपर से आपकी वो SHO हसीना मलिक है, फिल्म में एक्टिंग कर रही है। वर्दी छोड़ दिया, ड्यूटी छोड़ दी। अरे ऐसा कौन करता है भला है? चलो हमने ये माना कि SHO हसीना मलिक की याददाश्त जो है हिचकोले खा रही है, लेकिन करिश्मा सिंह आपकी याददाश्त भी क्या हिचकोले खा रही है? आपने ऐसा होने कैसे दिया, हम सब जानते हैं। सर गलती हो गया हमसे, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है सर। कोई समय हमें नहीं मिलेगा, जो भी करना है जल्दी करिए, लेकिन ये तमाशा खत्म करिए। अरे आपको पता है महिला पुलिस थाना की गरिमा और एक SHO का पद, उसका मान, दोनों आपके हाथ में है। जितना जल्दी हो सके ये सारा रायता जो फैला हुआ है ना, उसको खत्म करिए। आपको पता है पब्लिक में हम जैसी अपनी छवि बनाते हैं ना, तो पब्लिक हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी छवि पब्लिक में कैसे बनाती हैं और पब्लिक आपसे व्यवहार कैसी करती है। समझ गई आप? हाँ जी जी जी। हमें कैसे भी करके हीरोइन को ढूंढना होगा, तभी ये डंडा खत्म होगा। अरे आइए बैठिए ना। प्लीज आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। आप बैठिए ना, आइए। हाँ प्लीज। जस्ट अ सेकेंड। नहीं चाहिए। का नहीं चाहिए? अरे प्राइवेट लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, जो भी लोन दे रहे, नहीं चाहिए भैया। भैया भैया संतु जी, लग गया हमारे प्यार को, उस फ्लॉप फिल्म के हीरो के रोल मॉडल का नजर लग गया हमारे प्यार को। संतु जी जीते, तू बोल रहा है? हमको पता नहीं चल पा रहा है कि हम हैं कि हम थे। संतु जी क्या बोल रहा है? संतु जी हम जो बोल रहे हैं छोड़िए, पहले ध्यान से सुनिए। करिश्मा मैडम का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जो हीरोइन है ना पिंकी, उसका पता कीजिए, उसका फोन जो है उसको ट्रैक कीजिए, उसका लोकेशन पता कीजिए। मैडम का ऑर्डर है। अभी चलिए चलिए काम पर लगिए संतु जी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ, जरा एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। हाँ संतु बोलो। मैडम वो हीरोइन का वो फोन ट्रैक करना ना, तो नंबर तो दीजिए आप मुझे। तो पा गई हो क्या, काहे तुमको उसका नंबर ट्रेस करना? दे आप ही ने तो कहा था मैडम। तब हमने कब कहा? नहीं चीते का फोन आया, चीते ने कहा कि करिश्मा मैडम कह रही है कि उसका फोन ट्रैक करना है। समझ गए कि नहीं नहीं तुम रुको, अभी कुछ नहीं करना है, जब हम तुमको बोलेंगे तब तुम करना वो, ठीक है? हाँ को
हाँ ये कितना स्टाफ लोग है आपका होटल में सबका लिस्ट? जी मैडम। हाँ मैडम। ये तफ्तीश के चूल्हे पे तुम अपना पर्सनल रोटी सेक रहे हो सुना हमने? ना मैडम। संतु को फोन करके तुमने कहा है कि हीरोइन का नंबर ट्रेस करो ताकि वो जो हीरो है आर्या कपूर उससे वो दूर रहे। हाँ ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं 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 मैडम, इतने साल से आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपके काम करने का तरीका हमको पता है ना। अच्छा। तो हमको मालूम था कि आपका जो अगला स्टेप होगा वो यही होगा, तो इसीलिए आपका काम आसान करते हुए हम स्वयं ही। बिल्कुल लाड में मत आओ, जितना कहा जाए उतना करो बस, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे तुम बता रहे हैं। सॉरी मैडम। पता करो मैनेजर का, जाओ। बताइए। हाँ जी मैडम, को हमको अपने साथ लेकर आना था, हमारी मासूम इतना गांव पर लगी हुई, हम यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। मैनेजर कहाँ है आपका? मैडम मैनेजर जी, मैं यहाँ का मैनेजर। कहिए जी। पिंकी कपूर आपके यहाँ ही ठहरी है आपके होटल में? जी मैम। तो हमें पिंकी जी के बारे में कुछ पता करना है कि वो किसके साथ आई थी, किस टाइम उन्होंने चेक इन किया था, कब वो बाहर गई थी, कब अंदर गई और रूम से कब गायब है, ये सब हमें जानना है। जी मुझे तो इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन नाइट साहब को इस बारे में पता होगा, मैं आपकी बात उनसे कराने का इंतजाम करवाता हूँ। बहुत बढ़िया। सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो उसका इंतजाम हो सकता है? जी हो जाएगा मैम। अच्छा पिंकी जी का रूम देख सकते हैं हम? जी बिल्कुल, मेरे पास रूम की मास्टर की है, आप लोग मेरे साथ चलिए। हेलो। हाँ बिल्ला बोलो। कांग्रेचुलेशन करिश्मा मैडम, कांग्रेचुलेशन। पुष्पा जी के भाग खुल गए, आपके सास के भाग खुल गए। घोष बाबू है ना, उनकी फिल्म में पुष्पा जी को बहुत ही बढ़िया रोल मिला है, मतलब उर्मिला के साथ पुष्पा जी भी सुपरस्टार बन जाएगी, अपने ओवर एक्टिंग के तूफान से सब कुछ बहा ले जाएगी। का? Yes, yes. इस फिल्म में उनका आइटम सॉन्ग है, किसिंग सीन है और न जाने क्या क्या है। देखो पुष्पा जी के आसपास अभी दौलत शोहरत का अंबार लगेगा। अमाओ सुनो टोप आदमी, अगर ये मजाक है ना तो तुम्हारे दांत सारे तोड़ देंगे, तुम मजाक नहीं कर पाओगे आज के बाद, समझे तुम? पुष्पा जी को फोन दो। ओके वन सेक। मैडम आपका फोन। कौन है? योर डाई हार्ट फैन। हेलो। कहाँ सुन रहे हैं हम ये? उर्मिला को समझाने की जगह खुद हीरोइन बनी बैठ रही हैं आप? हाँ अरे हमने थोड़े ना कहा था डायरेक्टर को हमें फिल्म में लेने के लिए, वो तो डायरेक्टर जोहरी था जिसे हमारी प्रतिभा का चमकता सोना दिखाई दे गया और उन्होंने हमें फिल्म में ले लिया, पर ये तो होना ही था ना। खुशबू और प्रतिभा किसी के रोके रुकी है भला? आज अवसर मिला है तो खुलकर सामने आ रही है। ज्यादा नहीं खुल गई है पुष्पा जी, आप डांस करेंगे, आइटम नंबर करेंगी, वो किसिंग सीन करेंगी आप, और लल्ला के बारे में नहीं सोचा आपने? वो क्या सोचेंगे उनकी अम्मा जो है वो सिल्वर स्क्रीन पे, आप वो आइटम नंबर करेंगे, ऐसा करते कैसे लगेंगे आप बताइए हमको? कुछ नहीं सोचेगा हमारा लल्ला, उल्टा वो तो गर्व करेगा अपनी अम्मा पर, आपकी तरह घटिया सोच नहीं है उसकी, बहुत ही विकसनशील और आधुनिक विचार है हमारे लल्ला के। हाँ नहीं नहीं हम देख रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं, आपको ना जलन हो रही है हमारी कामयाबी से। हाँ सास कैसे बहू से आगे निकल गई तो आपको कैसे बर्दाश्त होगा, है ना, इसलिए आपके कलेजे पे तो सांप लौट रहे हैं। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, इस प्रतिभा के तूफान को आप रोक नहीं सकती, ये अब उठ चुका है, समझ गई आप? उठाते उठाते वहीं आके आपके इस तूफान का मैयत उठाएंगे हम, ठीक है? हाँ 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 चीते क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैडम, अभी तो मैडम। हाँ लाओ 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 दिखाओ। मैडम जिंदा कारतूस। रखो रखो इसको रखो। ये का है? स्पून को भी रखो, मैं ये पर्स भी रखो। संतु जी कैसी हैं आप? आप ठीक तो है ना? खाना पीना खाई है ना? पानी उनी पी रहे ना? संतु जी हमको बहुत ज्यादा याद आ रहा है आपका, लेकिन सुनिए हमारा एक बात ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो आर्या कपूर है ना उससे जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहिएगा आप, कसम से। बस कितना तुम्हारे आशिकी का गुड़गुड़ी चलता रहता है, हर वक्त काम पे ध्यान दे। टेक केयर बाद में फोन करते हैं। सील करो इस रूम को, सील करो भाई साहब, हमारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, चले अभी। हाँ हाँ मैडम। हाँ
मोनिका मैडम को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो मैडम सीन ऐसा है, हाँ। आप विलन की गर्लफ्रेंड हो तो जाकर उन्हें किस करना है? क्या हम नहीं ना कर सकते? नहीं कर सकते मतलब? डायरेक्टर साहब वन मिनट। माँ, लल्ला के पप्पा की टिकट पर कोई और फिल्म देखेगा, ये कैसे कैसे? चलो रोल कैमरा शुरू करें। हाँ? चलो आए, आए। तो तैयार है आप? जी। हाँ? चलो ओके, चलो रोल कैमरा एंड एक्शन। मैडम ये क्या कर रहे हो आप? आप क्या मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीती हो जो ऐसा फ्लाइंग किस दे रहे हो? रियल किस करना है, रियल किस। चलो रोल कैमरा। नहीं हम नहीं कर सकते। अरे डायरेक्टर साहब मैं हैंडल करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। पुष्पा जी। हाँ भाई। पुष्पा जी सिर्फ एक्टिंग है, इतना सीरियसली नहीं करना है। अब कल को अगर भिखारी का रोल करना पड़े तो हाथ में कटोरा लेकर सड़क पर हमेशा के लिए थोड़ी बैठ जाएंगे। भिखारी की बात अलग है ना पुष्पा जी, वी आर एक्टर्स, सब करना पड़ता है। अरे यही तो काम है हमारा। और आपको तो खुश होना चाहिए पुष्पा जी, कितनी लकी हैं आप कि आपको इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार गुलशनपुरी के साथ किस करने का सौभाग्य मिल रहा है। आपको तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप, दिमाग खराब हो गया आपका? सही बोल रही हैं, मौके का फायदा तो आप उठा रहे हैं ऐसा लग रहा है। बोलिए धर्म जी। पुष्पा जी एक बार हुकुम कीजिए, मैं इसका खून पी जाऊंगा। ये दिमाग तो आपका खराब हो गया मैडम। अरे डायरेक्टर साहब। हाँ? ये किसको रोल दे दिया आपने? अरे गुरु जी क्या हुआ क्या? अरे मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है कि मेरी इंसल्ट कर रही है। अरे बताइए इन्हें, बड़ी बड़ी हीरो ने तरसती है मेरे साथ काम करने को, और एक ये है इतना बड़ा मौका मिला है और। अरे गुलू जी नखरे देखिए इनके। तुम हमारे हमारे नखरे निकालते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमसे इस तरीके से बात करने की? तुम अभी जानते नहीं हो हमें, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह है, समझ गए ना? हमारा हमारा अपमान करते हो तुम। तुमको दिखाते हम अभी हम ना ये किसिंग सीन स्क्रिप्ट से निकाल ही देते थे। मतलब वो कैंसिल कैंसिल। आप गले तो मिल सकती थी, सिर्फ गले मिलना ठीक है, मगर दो मिनट, हम अभी आते हैं। आज हमारा इंतकाम पूरा हुआ। गणेश सुपर, क्या डांस किया, क्या एक्सप्रेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा गुलशन जी कट हो गया, उठिए अभी अभी सीन में है। अरे गुल्लू गुल्लन जी ये दुनिया से उठ गए हैं। ये का बवाल कर दिया पुष्पा जी आपने? ये क्या किया आपने? आपने गोली मार दी? नहीं हम सच कह रहे हैं, हमने गोली नहीं मारी। हम क्यों मारेंगे गोली? मौका है वारदात पे मां, तुम्हें पाया गया है गोली मारते हुए। अरे जिंदा जिंदा। We'll be right back.
इस औरत ने गोली चलाई मुझ पर, असली गोली। हम क्यों चलाएंगे गोली? हमने नहीं चलाई गोली। तुम्ही ने चलाई है, सबके सामने चलाई है, धमकी भी सबके सामने दी थी। अरे मगर वो तो हमने गुस्से में बोला था ना। गोली भी गुस्से में ही निकलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गोली बस कंधे को छूकर निकल गई। एक मिनट भाई साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा आप इतना बिलबिला कर रहे हैं। लगा नहीं है, मरे नहीं है, जिंदा खड़े हैं अभी हमारे सामने, वो छूके निकल गया है बस, है ना। इतना टेंशन मत लीजिए, और आप विलन है, थोड़ा तो अपने इमेज का ख्याल रखिए। ऐसे आप बच्चों की तरह डर रहे हैं। चीते अस्पताल लेके जाओ इनको, जल्दी लेके जाओ। हमारा पेट बहुत जोर का दर्द कर रहा है मैडम। नहीं एक सेकंड, चोट किसी और को लगी है, दर्द तुझे हो रहा है? सुबह में फटा हुआ दूध के पनीर का पकौड़ा खा लिए थे संतू जी, पचा नहीं है, पेट में ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, इसीलिए दर्द हो रहा है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे मैडम, प्लीज संतू जी को भेज दीजिए मैडम। नहीं नहीं नहीं, तुम मतलब तुमको दिखाना पड़ेगा ना अस्पताल में, तुम्हारे को ऐसे पेट में दर्द हो रहा है, कल को कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे ना। हाँ नहीं चीते, जाना तो पड़ेगा, जाओ हॉस्पिटल लेके जाओ। संतू जी हमको गेट वेल सून बोल दीजिए एक बार। संतू जी देखिए हम जा रहे हैं अस्पताल है, आप कहीं मत जाइएगा, आप अपने टेबल पर बैठे रहिएगा और एकदम एकाग्र चित्त हो, कहीं पिंकी का फोन ट्रेस कीजिएगा। हाँ, फोन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बोल। हाँ हम हमारे जेब में है। जेब में है ना? हाँ। तो ट्रैक करेंगे तो लोकेशन कहाँ की बताएगी? यही का बताएगा। हाँ तो फिर चल रे बुआ, नहीं तो यही शहीदों की सूची में नाम दर्जित होगा तुम्हारे। चल पहले मेरी कंप्लेन लिखिए। मैं इस औरत के खिलाफ, इस औरत ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, अटेम्प्ट टू मर्डर। पहले मेरी कंप्लेन लिखिए। मैं इस औरत के खिलाफ, और अगर आप कंप्लेन नहीं लिखेंगी तो मैं ऊपर तक जाऊंगा, ईसीपी कमिश्नर आईजी जहां तक जा सकता हूं जाऊंगा, लेकिन इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। और आप भूलिए मत मैडम, मैं एक सेलिब्रिटी हूं, पब्लिक फिगर, करोड़ों फैंस हैं मेरे। अब बताइए आप ये रिपोर्ट लिखेंगी या नहीं? बोलिए आप कंप्लेन लिखेंगी या नहीं? हाँ ठीक है, हम लिखते हैं तुम्हारा कंप्लेन। चीते लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मौका है वारदात पे असली गन किसने रखी? अरे गन तो असली है, लेकिन गन में असली गोली किसने भरी? किसने भरी मौका है वारदात पे? माँ माँ मैं हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा माँ। जी बताइए क्या कंप्लेन है? किसने देखा गन बदलते हुए? अगर किसी ने गन के साथ छेड़छाड़ की है तो वो इंसान हमारे आंखों के सामने अभी आ जाए, अभी के अभी, इसी वक्त। ठीक है कोई बात नहीं, हम तो पता लगा ही लेंगे, यही तो काम है हमारा, इसीलिए तो है हम यहां इस थाने में। और जिस दिन पता लगेगा ना बेटा, उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, बता रहे हैं हम तुमको। लेके जाओ चीते इनको हॉस्पिटल। अब नहाया करना है यार, वो लाल 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 खून। ओके चलो शूटिंग शुरू कर दे। हाँ। शो मस्ट गो ऑन। नहीं नहीं सुनिए ना, हम नहीं कर सकते अब ये फिल्म। नहीं करना मतलब? हमारा मन नहीं कर रहा है अब। नहीं नहीं मन नहीं मतलब? अरे मन नहीं कर रहा है हमारा। देखो आपको काम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने, चलो और नहीं तो क्या। संतू ये मोबाइल, ये बैग और ये गोलियां, तीन जिंदा गोलियां हैं, इसका जांच पड़ताल करो और जितना जल्दी डिटेल निकल सके हमको फॉरवर्ड करो तुरंत। क्या हमको लग रहा है कि यही एक चीज है जो हमें वहां तक लेकर जाएगी, कोई ना कोई सुराग जरूर देगी हमें। ये पिंकी जो है ना, इसका मिलना बहुत जरूरी हो गया है, तभी हम उस राज तक पहुंच पाएंगे कि आखिर ये गोलियां की अदला बदली किया किसने और कौन है इसके पीछे गुनहगार। तुम समझ रहे हो ना हमारी बात को? हाँ मैडम, आपने इतने डिटेल में बोला है तो कोई भी समझ जाएगा, बस रिपोर्ट देनी बाकी है। चल जल्दी काम पे लगो, चलो चलो जाओ। हाँ ठीक है।
हमने कुछ नहीं किया, आप जानती हैं हम बेकसूर हैं, हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, हमने हमने कुछ नहीं किया। हाँ 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 पुष्पा जी, आपने कुछ नहीं किया है, हमें आप पे पूरा विश्वास है, जितना भगवान पे हम विश्वास करते ना उतना ही आप पे विश्वास करते हैं। ये आप काहे इतना घबरा रही हैं? मैं ना आपके साथ, हम खड़े हैं आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे आपको, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, बता रहे हैं। और गलती से कोई मुसीबत आपके पास भी आ गया ना, मैया कसम बता रहे हैं, सब फूंक डालेंगे पूरे शहर को, इतना काहे घबरा रही हैं आप? ये जो आपके ये गोलगप्पे जैसे जो ये गाल है ना, ये जब उदास होते हैं ना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पुष्पा जी, आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और हमारे होते तो बिल्कुल भी नहीं। आप आइए इधर आइए। काहे घबरा रही हैं पुष्पा जी आप? कुछ नहीं होगा, हमें पता है आप बेकसूर हैं, आपको फंसाया जा रहा है, किसी टोपा इंसान की ना ये चाल है, पता नहीं कौन है जो ये साजिश रच रहा है, लेकिन हम उसको पकड़ के रहेंगे, उसको बेनकाब करेंगे और आपको बेकसूर साबित करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए पुष्पा जी। मगर ये कैसे करोगी? देखिए पुष्पा जी, अभी जो हमें पिंकी के रूम से सामान मिला है हमने संत को दे दिया, उसकी जाँच पड़ताल होगी, हमको पता चलेगा, आपको तो पता ही है थाना में हर जगह कैमरा है, जहाँ पे इनका शूटिंग का सामान पड़ा हमने वहाँ पे भी कैमरा लगा दिया है, तो हमें हर तरफ से फुटेज मिलेगा और हम बहुत जल्द उस तक पहुँच जाएंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए।